हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे और कल हमने ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस के आपको एक्सपेरिमेंट बता दिए। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है परमेबिलिटी। क्योंकि हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे तो परमेबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। परमेबिलिटी किसकी? मेम्ब्रेन की, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी पर किस चीज़ का इफेक्ट आता है कि परमेबिलिटी खत्म होती जाती है, या हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के की कॉन्सेंट्रेशन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर क्या इफेक्ट आता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि टेम्परेचर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर क्या इफेक्ट आता है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं मटेरियल, जो प्लांट मटेरियल हमें लेना होता है वो होता है बीट रूट। आप जानते हो चुकंदर जिसे हम कहते हैं, और ये चुकंदर लाल रंग की होती है और आपने कभी देखा हो उसको घर में जब अपन काटते हैं तो रेड रेड इसमें से पिगमेंट निकलता है, तो एंथोसायनिन पिगमेंट इसमें से निकलता है जो कि इसके अंदर ही पिगमेंट होता है। तो हम उस बीट रूट को लेते हैं और उसके टुकड़े कर लेते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में उसको काटते हैं, और उनको काटने के बाद हम उसको टैप वाटर में लगातार धोते हैं। आप देखते हो पानी में आप जब आप काटते हो तो आपके हाथ रेड हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से पिगमेंट रिलीज होता है। लेकिन हम उसको वाटर में, टैप वाटर में इतना धोएं कि उसमें से पिगमेंट रिलीज होना बंद हो जाए। उसके बाद हम इसमें यूज करें सॉल्वेंट्स के अंदर। हम क्या देखना चाहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को देखना चाहते हैं कि कहाँ तक, किस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कारण उसकी परमेबिलिटी समाप्त होती है। तो हमने यहाँ एक पांच टेस्ट ट्यूब ली है, उनको एक रैक में रख दिया है और हमने अलग अलग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दी। पहले यहाँ पर डिस्टिल वाटर है, दूसरे में बेंजीन है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में, तीसरी टेस्ट ट्यूब में फॉर्मेलिन है, चौथे में एसीटोन है और पांचवे में इथेनॉल। हमने सबकी बराबर मात्रा ली है और दो दो टुकड़े बीट रूट के डाले। किस तरह? बिल्कुल इक्वल साइज में इक्वल पार्ट्स कटे हुए हों और टैप वाटर से धुले हुए, यानी उसमें से एंथोसायनिन पिगमेंट डालते वक्त डिफ्यूज नहीं हो रहा हो। हमने ये दो दो टुकड़े बराबर इसके अंदर डाल। हम लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर इसकी रीडिंग होल्ड करते हैं। रीडिंग से मतलब हमें इसमें डिफ्यूजन दिखाई देने लग जाएगा। आप देखोगे वाटर के अंदर जो डिस्टिल वाटर है इसमें एंथोसायनिन पिगमेंट का डिफ्यूजन न के बराबर, क्योंकि हमने पहले ही इसको टैप वाटर के अंदर धो लिया था। तो टैप वाटर में हमने इतना धोया था कि उसमें से पिगमेंट निकलना बंद हो गया। तो यहाँ पर वाटर के अंदर इसमें कोई डिफ्यूजन हमें देखने को नहीं मिलेगा, इससे बीट रूट से एंथोसायनिन पिगमेंट का डिफ्यूजन नहीं मिलेगा। जबकि बेंजीन के अंदर हम देखेंगे यहाँ भी कलर बहुत मामूली सा कलर निकलेगा, फॉर्मेलिन में उससे ज़्यादा निकलेगा, यानी थोड़ा सा पिंक, ज़्यादा पिंक हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे और ज़्यादा पिंक हो जाएगा, डिफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि एंथोसायनिन पिगमेंट का डिफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, यानी डिस्टिल वाटर में इसमें डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, एंथोसायनिन पिगमेंट बिल्कुल नहीं निकल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मामूली सा निकला है, फॉर्मेलिन में एंथोसायनिन पिगमेंट ज़्यादा निकल जाता है। क्यों होता है ये भी हम बताएंगे। एसीटोन में इससे ज़्यादा फर्क आता है और इथेनॉल सबसे ज़्यादा हमको कलर्ड दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के कारण जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सेल जो है वो डेड होती जाती है। डिस्टिल वाटर में ये सेल कोई डेड नहीं हो रही है, यहाँ ये सेल्स डेड होती जाती हैं तो इनकी परमेबिलिटी भी खत्म होती है। और जब परमेबिलिटी खत्म होती जाएगी तो उनमें से जो भी अंदर मटेरियल है, एंथोसायनिन पिगमेंट है, वो उसमें से रिलीज होता जाएगा। तो यहाँ हम इस टेबल के माध्यम से देखते हैं, ये हमने टेस्ट ट्यूब ली है पांच, पहले में डिस्टिल वाटर लिया है, दूसरे में बेंजीन, तीसरे में फॉर्मेलिन, इसी को हमने टेबल फॉर्म में बनाया है। डिस्टिल वाटर में 10%, ये हम डिफरेंट परसेंटेज में भी देखेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की। यहाँ हमने एक सिंपल परसेंटेज में दिखाया आपको कि किस तरीके से इसकी परमेबिलिटी खत्म होती है। यहाँ हमने 10% डिस्टिल वाटर, मतलब डिस्टिल वाटर का सेम ही है,
बेंजीन का 10%, 50% और 100%। अब हमने इनकी तीन तीन टेस्ट ट्यूब ली है, यहाँ हमने ये दिखाई है, लेकिन तीन तीन टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसमें 50% और इसमें 100%, यानी प्रत्येक की हमने तीन तीन टेस्ट ट्यूब ली है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, डिस्टिल वाटर और बेंजीन में डिफ्यूजन नहीं के बराबर है, डिस्टिल वाटर में तो है ही नहीं और बेंजीन में भी नहीं है। सॉल्वेंट के 10% में डिफ्यूजन मामूली होता है, 50% में और बढ़ जाता है, 100% फॉर्मेलिन में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत ज्यादा वो कलर हो जाता है। ऐसे तौर में इसके मुकाबले ज्यादा डिफ्यूजन होता है, परसेंटेज देखते हुए 100% में बहुत ज्यादा डिफ्यूजन है, लेकिन फॉर्मेलिन के मुकाबले ज्यादा है और इथेनॉल की अपेक्षा कम। इथेनॉल में भी हम तीनों परसेंटेज में इसको देखते हैं, 10% में डिफ्यूजन थोड़ा है, हालांकि फॉर्मेलिन की अपेक्षा ज्यादा है, 50% में और ज्यादा है और 100% में सबसे ज्यादा है। तो ये परमिटिविटी खत्म होती जाती है, इस वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ाने के साथ डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी बढ़ती जाती है, और यदि हम इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाए तो भी इनकी परमिटिविटी खत्म होती है, यानी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसकी परमिटिविटी को समाप्त करते हैं, इसलिए जो सेल्स डेड हो जाती हैं तब परमिटिविटी खत्म हो जाती है और इनसे डिफ्यूजन होता रहता है। और ये सबसे ज्यादा कलर हमने डार्केस्ट पिंक इसके अंदर दिखाया, इसमें इथेनॉल और इथेनॉल के 100% में हम देखेंगे डार्केस्ट पिंक इसके अंदर कलर होगा, क्योंकि बी टू से एंथोसाइनिन बराबर निकलता है। तो ये परमिटिविटी पर इफेक्ट है किसका, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब हम दूसरी तरफ एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, इसमें हम दिखाएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तापक्रम का टाको मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर, पारगम्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ भी हमने 5 टेस्ट ट्यूब ली हुई है, इन्हें हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं, वही हमने डिस्टिल्ड वाटर यहाँ लिया है, यहाँ हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिए थे, यहाँ केवल हम डिस्टिल वाटर में उन बी ट्रू के पीसेस को खुद रखें, वही बी ट्रू हमने इक्वल पार्ट्स में काटी है और उनके दो दो पीस बिल्कुल टैप वाटर में धोके नल के पानी में धोकर, जिससे उसका पूरा एंथोसाइनिन पिगमेंट निकल चुका है, तब हमने इनको दो दो पीसेस हर एक टेस्ट ट्यूब में डाले। डिस्टिल वाटर है सभी के अंदर, लेकिन दो दो बी ट्रू के टुकड़े, यहाँ टेम्परेचर हमने 0 डिग्री लिया है, दूसरे में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बर्नर की सहायता से, या हम अपना छोटा वाला वो जला लेते हैं, गैस तो होती नहीं है अपने लैब में, लेकिन हम बर्नर की सहायता से उसको कर सकते हैं, 30 डिग्री कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने 50 डिग्री किया है, एक टेस्ट में 70 और एक में 90, इस तरीके से हमने टेम्परेचर लगातार बढ़ाया, लेकिन गैस ट्यूब अलग अलग थी, तो इनका इफेक्ट हम देखेंगे। उसी तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा परमेबिलिटी पर, परमेबिलिटी खत्म होती है, परमेबिलिटी खत्म हो जाएगी मतलब बढ़ती जाए कहना चाहिए कि खत्म हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेल्स डेड होते हैं और डेड हो जाएंगी तो इनमें से एंथोसाइनिन पिगमेंट बराबर निकलता जाएगा। तो आप देखोगे 0 डिग्री पर उसका पानी बिल्कुल साफ है, इसमें कलर नहीं आया। 30 डिग्री जैसे हम टेम्परेचर इसका करते हैं, इसमें थोड़ा सा कलर आता है मामूली सा, 50 डिग्री पर इसमें कलर और ज्यादा हो जाता है, यानी पिंक कलर बढ़ता जाता है, डिफ्यूजन बढ़ रहा है। 70 डिग्री पर इसमें डिफ्यूजन और ज्यादा है, यानी कलर्ड हो गया है, और 90 डिग्री पर आते आते इसका पूरा कलर जो है वो पिंक हो गया, इसका डिस्टिल वाटर है। यहाँ हम इसको टेबल में शो कर रहे हैं, 0 डिग्री पर इंटेंसिटी ऑफ कलर 0 है, मतलब नहीं है कलर, 10 डिग्री पर इसमें थोड़ा कलर है, 30 डिग्री पर जो है वो 10 डिग्री कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे 30 लिया है तो 30 इसी इसमें लेंगे, प्रपोर्शन है 70 और यहाँ 9, 30 डिग्री पर थोड़ा इंटेंसिटी है कलर की, यानी डिफ्यूजन कम हुआ है, 30 डिग्री पर 50 डिग्री पर इसमें थोड़ा और ज्यादा हुआ है, 70 डिग्री पर डिफ्यूजन और ज्यादा है और 90 डिग्री पर डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है। तो परमेबिलिटी पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा है, डिफ्यूजन बढ़ता जाता है, मतलब परमेबिलिटी होती है, डेड सेल होने के कारण परमेबिलिटी उसकी
लॉस हो गई, खत्म हो गई कम्युनिटी, जिससे कि क्या है सारा का सारा सब्सटेंस से सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है, जो भी इसके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट है, बी टू के अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है तो वो इसमें से बाहर निकल जाता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड दो एक्सपेरिमेंट बताएंगे, और इसको आप घर पर करिए और रिकॉर्ड के अंदर करो। थैंक यू।